रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाश घर में घुसकर तमंचे की नोक पर युवती का अपहरण करके ले गए। अपहरणकर्ता पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। युवती के पिता के मुताबिक उनके भतीजे अरशद जलीस जमील और एक अन्य व्यक्ति इमरान के अलावा कुल सात लोग देर रात दीवार कूद कर घर में घुसे और दोनों माता पिता को तमंचे की नोक पर लेकर उनकी बेटी अरमाना को उठाकर ले गए। विरोध करने पर माता पिता से भी मारपीट की, जिसमें अरमाना की माँ शमीम जहां के सर पर चोट भी आई है। जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को वापस पाने के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहा था, तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो तीन आदमी लड़कियों खेलने के लिए घुसे तो फिर वो दीवार पर वो फेंकी लड़की पछा को दीवार पर फेंकी तो जाती था। फिर उन्होंने वहां जाकर लड़की गिर गई, वहां फिर लिपट गए। जब मैं दीवार कूदा उनके पीछे तो फिर गए लड़की को लिपट गए सब गाड़ी में डालने के लिए। मैं जब गया तो मुझे फिर तमंचा दिखाया इन्होंने। पुराने रंजीत के बदमाशी है। उससे उसकी शादी की बात हो गई, शादी में कुछ नानुकूल हो गई तो चाचा और लड़की का सगा चाचा और सगा ससुरा भाई उसे लेकर कहीं चले गए। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और खोजबीन की जा रही है, जल्दी लड़की को तलाश। मैनपुरी के लाल